सदर कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्मैक सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली थाने के एसआई ने बताया कि थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि शी टॉकीज के पास बाबा गेस्ट हाउस के पास एक युवक है जिसके पास स्मैक हो सकती है। मुखबिर की सूचना पर मैं पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और सवाई माधोपुर निवासी सलीम को 0.88 मिलीग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। क्या है पूरा मामला, कहां से गिरफ्तार, कौन है, क्या तफ्तीश हो रही है? कल सुबह थाने पर एक इत्तला आई थी कि संदिग्ध व्यक्ति है जो कबूतरी कलर की चौकीदार शर्ट पहने हुए जो वहाँ सीट आगे के बाबा गेस्ट हाउस सामने बैठा है उस पर कोई स्मैक हो सकती है। मुखबिर से सूचना मिलने पर थाने से सी आई साहब वगैरह गए थे सारे, तो जाके वहाँ तलाशी ली उसकी, तो उस पर 0.88 ग्राम से मतलब एक ग्राम में कम 0.88 ग्राम मिलीग्राम स्मैक मिली। सलीम नाम व्यक्ति है जो सवाई माधोपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके प्रकरण दर्ज किया गया और तफ्तीश सिविल लाइन SHO को सुपुर्द की गई जो कल दर्ज की है दिन में 12:30 बजे। क्या लग रहा है, खुद के लिए इस्तेमाल करा था, तस्करी करा था? अब तफ्तीश जारी है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।